नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और नतीजों ने इस पार्टी में नया जोश भर दिया है। नतीजों से उत्साहित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि वो बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है कि उनकी पार्टी के बलिया में 12 प्रत्याशी विजयी हुए हैं। 58 सीटों में बड़ी जीत दर्ज कर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गरीब मजलूमों और पिछड़ों की शक्ति को जिला पंचायत में स्थापित करना चाहती है। इसलिए पार्टी ने भावी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में शिवदयाल चौधरी को अपनी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उतारेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिला पंचायत में गरीबों के सम्मान को बढ़ाने और विकास की ईमानदार तस्वीर खड़ी करने के लिए वो समर्थन मांगेंगे और बहुमत भी हासिल कर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव ने एक नया प्रयोग प्रस्तुत किया है जो ये बता रहा है कि अब गरीब पिछड़े लोगों को सत्ता और विकास की भागीदारी में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता है और इसका प्रमाण सुभाषपा है और उसकी जीत है। इस पार्टी के 58 में से 12 प्रत्याशी विजयश्री हासिल किए हैं और अधिकांश जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर इन्हें भी लगभग जीता हुआ ही मान रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतारने की बात के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ी बात ये भी कही कि बड़ी पार्टी के रूप में वो अपनी प्रत्याशी की जीत के लिए विकास, गरीबों के हित में सभी से समर्थन मांगेंगे, लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती है, तो अपनी शर्तों पर समान विचारधारा वाले प्रत्याशी को समर्थन देने पर वो आगे विचार करेंगे। हालांकि सब कुछ आगे आने वाली सिचुएशन पर, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।